आरजेडी में था, फिर चलाया था हम लोगों के यहाँ जेडी, आप फिर भाग क्यों आना, उसका कोई मतलब है? और उसके पिता को कौन लाया था? न हम किसी को बचाएंगे न किसी को फंसाएंगे हम लोग। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के बयान, जिस तरीके से उन्होंने सीएम नीतीश को लेकर कहा था कि राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार को मिट्टी में मिला देंगे, इसको लेकर बिहार की सियासत जो है लगातार गर्माते जा रही है। ऐसे में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडियाकर्मी से बातचीत करते हुए कहा कि जो लोग आरजेडी में थे पहले, फिर जदयू में आए और वहाँ जाके जिस तरीके का बात बोल रहे हैं, वैसे लोग का कोई मतलब है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि उनके पिता का भी जदयू में ही सब कुछ हुआ है, भूल गए हैं वो लोग। और साफ तौर पे सम्राट चौधरी को बता रहे हैं कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी का राजनीतिक जो ज्ञान हुआ है वो हमारे पास ही हुआ है। और भी क्या कुछ कह रहे हैं सीएम नीतीश कुमार, आप इस वीडियो को पूरा देखें। क्या करें, सोच लीजिए सम्राट, अब आप भी सोच लीजिए। इसीलिए अरे जो बोलता उसका कोई मतलब है, कौन कौन पार्टी में था आप बोले, आरजेडी में था फिर चलाया था हम लोगों के यहाँ जेडीयू, आप फिर भाग क्यों आ गए, उसका कोई मतलब है? और उसके पिता को कौन लाया था? इसीलिए ये सब छोड़ दीजिए, कौन क्या बोलता है, किसी के मन में कोई बात है उस सबका कोई मतलब नहीं है, कुछ से कुछ बोलता है। अब आप जानते हैं ना, हम लोगों का संबंध था अगर, तो क्या श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हम काम किए? हम बराबर ना आपको कहते हैं कि ये लोग अब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद कर रहा है, और उन्होंने जो किया, और देखिए श्रद्धेय अटल जी के टाइम में कभी भी हिंदू मुस्लिम का कोई झंझट नहीं होने दिए, और सब मिल करके काम कर रहे थे, सबका विपक्ष के लोग भी रहते थे वो भी खुशी रह प्रकट करते थे, हम लोग तो रहे हैं ना, आ कितना ज़्यादा हम लोगों को मानते थे। हम एक बार एक्सीडेंट हुआ आप जानते हैं, जब हम रेल मंत्री थे तो हम रिजाइन कर दिए, और तैयार ही नहीं थे, तो हम दूसरा बार जाके हाथ जोड़ करके कहे कि हमको चुनाव भी रहे सर तो मान लीजिए, तो हमको वो एक्सेप्ट किए। आप सोचिए तो कोई रिजाइनो करता है, हम लोगों का बतवा भुला जाते हैं कि एक्सीडेंट बहुत बड़ा हुआ था बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, हम रेल मंत्री थे तो हम रिजाइन के गए, देखे 100 आदमी मर गया था, तो हमको देख करके इतना बुरा लगा। अब बाद में दोबारा जब हमको किए तो जो हम बनाए योजना, अब सोचिए वो योजना हम लोग बनाए, उसके बाद भी बना, अब कितना बढ़िया हो गया, अब देखते हैं होता है कुछ, कितना हम लोग काम किए, तो हम लोगों के किए हुए काम को, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के काम को ये लोग को याद रखें, कहेगा सब हम ही लोग कर रहे हैं, कुछ नहीं करना। क्या बात करते हैं, कुछ होने वाला है, हम आपसे आग्रह करेंगे कि सब लेके नहीं, व्यक्तिगत रूप से जा करके सासाराम, आप बिहार शरीफ दोनों जाके पता कर लो, तो आपको अच्छी तरह मालूम हो जाएगा कि वहाँ के लोग बहुत शुद्ध ठीक हैं। आई इक्का दुक्का तो गड़बड़ हो ही सकता है ना, तो कुछ लोग अगर गड़बड़ करता है तो सारा पुलिस और प्रशासन अलर्ट है और देख रहा है, और जो भी गड़बड़ करता है उसको उस पर एक्शन लेता है, तो हम लोग थोड़ी कहते हैं कि इसको पकड़ो इसको करो, ये हम तो नहीं करते, हम तो शुरू से न कह रहे हैं आपको, पहले दिन से न कहते हैं, न हम किसी को बचाएंगे न किसी को फंसाएंगे, हम लोग क्या मतलब, ये तो पुलिस का काम करता है, तो कितना बढ़िया से काम हो रहा है, तो जाकर देख लीजिएगा, हम तो आग्रह करेंगे कि कभी खुद जाकर के देखिएगा तो आपको अंदरूनी बात पता करेगा, लेकिन हम जानते हैं भाई आप लोगों का भी बतवा मानेगा तो नहीं, वो तो छापने ही नहीं देगा। आपको राजनीतिक रूप से मिट्टी में मिलाने की चर्चा करते हैं, तो आपने सुना बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार ने साफ तौर पे सम्राट चौधरी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यहीं से सीखकर सब कुछ गए हैं और आरजेडी में पहले थे, उसके बाद जदयू में, उनका जो पिताजी हैं वो भी यहीं थे और अब वहाँ जाके इस तरीके का बात बोल रहे हैं। और वहीं सासाराम में जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने बीते दिनों प्रदर्शन किया उसको लेकर उन्होंने कहा कि आप लोग जाके खुद वहाँ व्यक्तिगत तौर पर देख लीजिए, और हमने पहले भी कह दिया था कि जो गंदा काम करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, और जो लोग दोषी हैं उस पर हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं, और हमने ये भी कहा है कि ना हम फंसाते हैं और ना किसी को बचाते हैं।
सासाराम में जो हुआ है वो आप लोगों के बीच में है और आप लोग जाके वहाँ देख भी सकते हैं। सम्राट चौधरी को लेकर सीएम नीतीश ने कहा कि यहीं से सीखकर सब कुछ गए हैं, उनके बात का कोई मतलब नहीं है, हम लोग नोटिस नहीं लेते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पेज को भी फॉलो करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।